हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सामने आपने खड़ी है दी ऑल न्यू टाटा पंच। प्योर वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट है, और इसमें आती है सीएनजी। टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में भी सीएनजी आती है, और जिसका प्राइस जो जाएगा वो जाता है 8,50,000 रुपये ऑन रोड। ये गाड़ी हमें दिल्ली में 8,50,000 रुपये की पड़ी है। हालांकि इस गाड़ी का प्राइस जो है 6 लाख रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है, और अगर आप प्योर पंच सीएनजी की तरफ जाते हो तो 7,20,000 रुपये एक्स शोरूम ये आपको पड़ती है। और ऑफ कोर्स इस गाड़ी को लेने का जो मेन रीज़न है वो है सेफ्टी, क्योंकि इसके अंदर इंजन इतना कमाल का नहीं आता जितनी कमाल की इसके अंदर आपको सेफ्टी मिल जाती है। तो इसके अंदर हमें 4 स्टार ग्लोबल एनकैप की रेटिंग मिलती है, और साथ ही साथ भाई 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 85 BHP निकालता है, और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। अभी ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, और इसका फ्रंट हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बेस मॉडल में क्या क्या मिल जाता है, देखो फ्रंट में आपको हैलोजन बल्ब का सेटअप मिल जाता है, साथ ही आपको इसके अंदर ऊपर ये लैंप मिल जाता है, DRL मिलता है लेकिन वो जलता नहीं है, आप इसमें एक्सेसरीज के और पे इसको बाहर से लगवा सकते हो, बल्ब आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ ये हॉर्न की जो प्लेसमेंट है जो पहले से आती है वो कुछ इस टाइप की मिलती है। फ्रंट की जो ग्रिल है वो ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, और भाई नीचे जैसा मैंने बताया फॉग लैंप का स्पेस आएगा तो आप इसमें फॉग लैंप लगवा सकते हो। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आते हो तो सबसे पहले टायर साइज आप देख लो भाई, इसके अंदर आपको मिल जाता है 15 इंच का टायर, और जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलती है 187 mm की। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है किससे, स्विफ्ट से ज़्यादा मिल जाती है, टाटा टियागो से आपको ज़्यादा मिल जाती है, इनफैक्ट अगर आप एक्सटर से कंपेयर करोगे तो उससे भी ज़्यादा मिलती है। और टायर साइज बेस वेरियंट से ही आ जाता है 15 इंच का, तो 15 इंच के टायर की वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। और अगर थोड़ा सा आप इसके ORVM पर नज़र डालोगे तो भाई ये भी आपको मिल जाते हैं, बॉडी कलर तो नहीं मिलते बट हाँ मैट ब्लैक में आपको देखने को मिल जाते हैं, और भाई साथ ही इंडिकेटर भी ORVM पे प्लेस है, तो टर्न इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही इसके जो हैंडल है ये ब्लैक कलर के मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो हैंडल और जो ORVM है ये मैच करता है किससे, क्लाइडिंग से। ये जो क्लाइडिंग आप नीचे की तरफ देख रहे हो इससे अच्छे से मैच कर जाता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इसको भी आप बॉडी कलर करवा सकते हो। गाड़ी के अंदर की तरफ अगर आप जाते हो ना तो देखो बेस वेरिएंट में आपको क्या नहीं मिलता, अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, और स्टेयरिंग पे भी कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं, ना ही इसके अंदर कोई आपको स्पीकर का सेट मिलता है, सब कुछ आपको बाहर से ही लगवाना पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी गाड़ी में लग रहा है कुछ सिस्टम और सामान, हम फटाफट गाड़ी के पीछे की तरफ चल लेते हैं। और देखो पीछे से भी गाड़ी हमने थोड़ी ओपन करवा रखी है, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी ना वायरिंग नहीं आती है, और अगर वायरिंग आती ना तो इतना ज़्यादा सिस्टम ना खोलना पड़ता, स्पीकर ही सेट करने पड़ते। तो ये है, अगर बेस मॉडल आप लेते हो तो में थोड़ी मोटी दिक्कतें होती हैं। बाकी पीछे वाला जो डोर है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है जैसे आपने बीट में देखा होगा शेवरलेट की आती थी, या फिर अभी आप स्विफ्ट जो आ रही है उसमें भी ऐसे ही खुलता है। बाकी ये है इसका पीछे वाले डोर का ओपन करने का स्टाइल। आ जाते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, तो जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे ना पीछे का लुक कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। इसका बोनट भी खोल के दिखाऊंगा, सबसे जो अच्छी बात है ना वो इसके अंदर बोनट की है। अब इसमें क्या क्या मिलता है, देखो पीछे आपको सीएनजी का यहाँ बैजिंग मिल जाता है, वोकल फॉर लोकल मिल जाता है, टाटा का यहाँ लोगो मिल जाएगा, ICNG की छोटी सी बैजिंग यहाँ मिल जाती है ग्रीन कलर में आई, और भाई पीछे आपको मिल जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर, 1 और 1 2। कैमरा इसमें नहीं आता क्योंकि इसमें ना सिस्टम नहीं आता लगा हुआ, बाकी आप बाहर से इसमें लगवा सकते हो कैमरा। बाकी म्यूजिक सिस्टम लगेगा इसमें कैमरा, तो भाई इसके अंदर अभी कैमरा का भी सेटिंग हो जाएगी तो कैमरा भी लग जाएगा। 2 पार्किंग सेंसर कंपनी देती है क्योंकि BS6 Phase 2 वेरियंट है, और Phase 2 में सबसे अच्छी बात है कि पीछे या तो कैमरा मिलेगा या पार्किंग सेंसर, लेकिन बेस मॉडल में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अभी इसके अलावा और क्या मिलता है, पीछे की जो टेल लैंप है वो कुछ इस टाइप के मिलते हैं, हेलोजन बल्ब का सेटअप मिलेगा पीछे आपको दोनों ही टेल लैंप पे, रिफ्लेक्टर नीचे मिल जाते हैं 1, 2 और 1 नीचे की तरफ, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है बेस मॉडल में, लेकिन डीफॉगर वॉशर वाइपर जैसा कुछ भी इसमें नहीं मिलता है। अब इसका एक बार बूट ओपन करके दिखा देते हैं, और सबसे जो अच्छी बात है ना वो यही है, जैसे इसका बूट ओपन करोगे, बूट ओपन करते ही भाई इसमें आपको मिल जाता है 210 लीटर का बूट स्पेस विद CNG, क्योंकि इसमें ड्यूल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी आती है, एक इधर और एक उधर, 2 सिलेंडर इसके अंदर लगे हुए हैं, जिसमें कैपेसिटी जो है जिसकी 12 किलो की है, और एवरेज गाड़ी अच्छा खासा निकाल देती है। तो ये है भाई, सामान देख लो रखा हुआ है, सिलेंडर ढके हुए हैं, और पीछे कितना ही लोड डाल दो क्योंकि सिलेंडर लोड ले सकता है, हैवी सिलेंडर होता है। ये है टाटा की थोड़ी टेक्नोलॉजी। अब इसको कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद चलते हैं पैसेंजर साइड पर। अब जब इसमें CNG आई है तो ये CNG जो है ना फिल करने के लिए आपको यहाँ पे इसमें सिस्टम दे रखा है, स्विफ्ट और ब्रेजा की तरह साइड में कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप इसमें CNG डलवा सकते हो, CNG फिलिंग कैप इसके अंदर मिल जाएगी, और बाकी इसके अंदर भाई पैसेंजर साइड कुछ इस टाइप की है। अभी इसमें काम हो रहा है, स्पीकर लग रहे हैं पीछे की तरफ चारों, तो अभी गेट बंद है, बाकी आपको राइट हैंड साइड की जैसी जो है लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखने को मिलती है। फिर चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन डोर जैसे ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि भाई मजबूरी है, बेस मॉडल है और ये सिस्टम वगैरह लग ही रहे हैं, छोटू हमारा लगा पड़ा है, तो ये गेट इसका खुला हुआ है, तो यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। तो गेट में आपको मिल जाती है 2 पावर विंडो, फ्रंट में बस 2 ही पावर विंडो आती है बेस मॉडल में, और साथ ही भाई ये मिल जाता है इसका डोर जो ओपन करने के लिए नॉब होती है ना, ये थोड़ी ब्लैक कलर की देखने को मिलती है।
बाकी जो इंटीरियर है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, थीम काफ़ी अच्छी है इंटीरियर की। और भाई चाबी भी दिखाई देते हैं, चलिए कुछ इस टाइप की इसके अंदर आपको चाबी मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग इसके अंदर आती है बेस वेरिएंट में भी, और चाबी भाई इस टाइप की मिलती है टाटा की। ठीक है, तो ये हो गई चाबी, डोर मैंने आपको बता दिया डोर में। और यहाँ बोतल होल्डर मिल जाता है, आप देखो दो बोतल रखी है छोटी बड़ी, और यहाँ अम्ब्रेला होल्डर भी है, देखो अंदर ये रहा, ये अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। कौन सी गाड़ी है जिसमें अम्ब्रेला होल्डर मिलता है इस सेगमेंट की, मुझे बता देना, लेकिन टाटा आपको अम्ब्रेला होल्डर इसके अंदर दे रहा है। सिस्टम वगैरह लग गया, आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको सीट पर नजर डलवा देते हैं। देखो ये जो बेस वेरिएंट है ना, इसमें अगर आप लेते हो तो इसमें आपको फोर वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, मतलब आपको सिर्फ यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, और इसको ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे नहीं होती, आगे पीछे हो सकती है और रिक्लाइन हो सकता है पीछे वाली सीट। बस बेस मॉडल में ये मिलता है। अगर इसके एक ऊपर में चले जाते हैं एडवेंचर में, तो उसमें आपको सिक्स वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती। बाकी ड्राइवर सीट में जब आप आओगे तो यहाँ से आपको सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। आप कर लेते हैं गाड़ी का एक बार इंजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखा देते हैं कुछ कैसा मिलता है। देखो ये इसका कुछ स्पीडोमीटर मिलता है। अभी स्पीडोमीटर में ना काफ़ी चेंज हो गए हैं, पहले आपको हाफ एनालॉग मिलता था और हाफ मिलता था आपको डिजिटल, लेकिन अभी आपको टोटल जो है एनालॉग सिस्टम देखने को मिलता है। बीच में छोटी सी डिस्प्ले है जहाँ पे आपको सीएनजी का ऑप्शन देखो इधर दिखता रहेगा, ये रहा सीएनजी वाला। और इसके अलावा भाई आपको इसके अंदर फ्यूल बैटरी वगैरह सारे सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग पे जैसे मैंने बताया कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप सीएनजी इसमें चेंज करना चाहते हो तो भाई यहाँ से इसकी सीएनजी जो है वो चेंज हो जाती है। फिलहाल ये गाड़ी सीएनजी पे ही है, और सबसे जो अच्छी बात है ना टाटा में वो है कि आप इसको सीएनजी पे ही स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे नहीं है कि पेट्रोल पे स्टार्ट होकर सीएनजी पे आती है। थिंग जो है बेस मॉडल में ही आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, जैसे हम बोलते हैं टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता आगे पीछे की तरफ। स्टिचिंग इसमें जो है वो करवा रखी है यहाँ पे। भाई सेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे फीचर देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको दो एयरबैग मिलेंगे, एक एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है और एक एयरबैग मिल जाता है उधर। इस वाले वेरिएंट में बेस में आपको दो एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप इसका AC देखोगे बहुत ही अच्छा है, एलिगेंट सा है, लेकिन ये ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। देखने से आपको लग रहा होगा कि ऑटोमेटेड है लेकिन है नहीं, जैसे ही आप गाड़ी ऑन करोगे AC आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, फैन की स्पीड कुछ यहाँ से सेट हो सकती है। तो ये बड़ी सही बात है कि ना इसका लुक काफ़ी अच्छा कर दिया है, ऑटोमेटेड सा लगता है। और डैशबोर्ड ना बड़ा ही सिंपल सा है, क्लीन सा है, जैसे कि ये चीज़ आपको थोड़ी प्लास्टिक का फील देगी लेकिन ये प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज़ ना काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर रैटलिंग नॉइज़ कहीं से आ सकती है। रैटलिंग नॉइज़ आने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है भाई इसके अंदर। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है बट दो गियर बॉक्स के साथ। पहला आपको मिलता है इसका मैनुअल जो कि 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स आता है, और दूसरा आपको मिलता है AMT के साथ आता है, वो भी 5-speed के साथ ही आएगा। बाकी इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको इसका IRVM मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको जो इसका ये मिल जाता है, इसमें वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता, ना ही वैनिटी मिरर आपको इधर मिलता है। यहाँ पे आप इसमें माइक लगवा सकते हो, क्योंकि माइक जो आप सिस्टम लगवाओगे तो उसका जो माइक है ना यहाँ की वजह आप इधर माइक फिट करवा सकते हो। हेलोजन बल्ब का यहाँ सेटअप मिल जाता है, एक ही लाइट देखने को मिलती है, और ग्रैब हैंडल्स जिसमें यहाँ नहीं मिलता है उधर भी नहीं मिलता है, पीछे की तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है। 12 volt का सॉकेट चार्जर देखो इसमें यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ से जो इन्होंने सामान निकाला ना उसके अंदर ये सी टाइप का पोर्ट वगैरह था इसमें कुछ जो निकाला था, तो ये प्लेन मिलता है ना, इसमें सी टाइप का पोर्ट भी नहीं मिलता, बाकी ये प्लेन यहाँ से बंद मिलेगा। इसका जो एडवेंचर वाला वेरियंट है ना उसमें आपको यहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिल जाता है, लेकिन हाँ मोबाइल यहाँ पे रखा जा सकता है, स्पेस काफ़ी सही दे दिया है। 12 volt का सॉकेट चार्जर आप यहाँ लग सकते हो, और भाई ये रहा इसके अंदर कुछ सामान रखने के लिए, वैसे बाहर से लगवाया हुआ है। एडवेंचर वेरियंट में ना सीट के साथ अटैच आ रहे हैं इसके आर्म रेस्ट, तो वो खुल के काम हो सकता है उसमें। फ्रंट से ओवरऑल लुक ना गाड़ी का कुछ ऐसा ही था। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ चल के दिखा देते हैं कि भाई कैसा आपको पीछे से गाड़ी लगती है। पीछे का डोर ओपन करने के लिए ना यहाँ से ओपन होता है, और भाई पीछे का स्पेस कुछ ऐसा है। बेस वेरिएंट में ना ये घुमाने वाला आपको मिल जाता है, पीछे भी बोतल होल्डर मिल जाती है, और सीट की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी सीट है। और भाई आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ ये यहाँ से आ जाती है, देखो बेस मॉडल से आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट देखने को मिल जाते हैं, दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, और भाई साथ ही आपको इसके अंदर फ्रंट में पावर विंडो मिल जाती है, और पीछे का स्पेस जो है वो कुछ ऐसा है। अभी जो देखो ये ना पूरी पीछे हो रखी है, हालांकि ये ड्राइवर के हिसाब से एडजस्ट नहीं है, बट पूरी पीछे हो रखी है, फिर भी थोड़ा सा स्पेस है, टच हो रहा है 6 foot की हाइट के हिसाब से। और बाकी एक चीज़ और आप देखो, ये देखो इतना ज़बरदस्त इसके अंदर स्पेस आ जाता है ना, ऊपर वाला भी यहाँ पे इना ही सर टच होता है, और पीछे वाले जो पैसेंजर है आराम से बैठ के भाई लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। और बाकी भाई हमारे लगे पड़े हैं अभी काम करने में, एक बार ये सेट हो जाएगा ये भी दिखाएंगे। पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया ये सब मिल जाता है, ये वही आपको थोड़ा सा एलिगेंट देखने को मिल जाएगा जो कि हमारा पियानो फिनिशिंग में आ जाता है। और भाई ग्रैब हैंडल आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, बस पीछे की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने के लिए बेस मॉडल में, वो यही सब चीज़ें हैं कि सीट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, सीट की सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, और भाई आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको इसके में बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। अब एंड में बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। जैसा मैंने बताया दो इसके अंदर आपको जो है गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलते हैं, पहला आपको मिलता है AMT, दूसरा मिलता है मैनुअल। ये मैनुअल वाला है,
सीएनजी की सेटिंग देखो यहाँ पे इसमें दे रखी है। गेज इसमें नहीं मिलता कि सीएनजी में अभी कितना प्रेशर है, वो गेज अब शायद हटा दिया है, लेकिन इसमें गेज पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। ECM ECU वगैरह की सेटिंग उधर कर रखी है सारी की सारी। और इंजन का जो बे है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, नीचे तक आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। थ्री सिलेंडर इंजन आपको इसको मिलता है 1.2 लीटर का, जो 85 BHP और 115 NM का टॉर्क निकालता है और CNG पे घटके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब यही पावर आपको मिल जाती है स्विफ्ट के अंदर, बलिनो से भी इसको कुछ कुछ आप कंपेयर कर सकते हो कि लगभग सेम ही पावर जो है इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। बाकी BS6 फेज 2 के बाद ना इस इंजन की साउंड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और अब E20 फ्यूल भी कंप्लाइंट हो गई है ये वाली गाड़ी। ABS मॉड्यूल इसके अंदर आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD सब कुछ मिलता है। तो बस यही था भाई एक छोटा सा रिव्यू दी ऑल न्यू टाटा पंच प्योर CNG वाले वेरिएंट का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं कैसी ऐसी अगली वीडियो में।